हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्षा। वेलकम बैक टू माय चैनल। एनसीईआरटी ईवीएस के इम्पॉर्टेंट वन लाइनर में आज हम कुछ और इम्पॉर्टेंट लाइंस लेकर आए हैं जो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, बने रहिए लास्ट तक, ओके? क्योंकि ये वीडियो जो है इससे आपको एक दो क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। तो देखते हैं कि पहली लाइन क्या है। सुनीता विलियम्स 6 महीने से भी ज़्यादा अंतरिक्ष में रहीं। कितने महीने से ज़्यादा? 6 महीने से भी ज़्यादा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि भारत और अर्जेंटीना के लोग एक दूसरे के सापेक्ष उल्टे होते हैं, ठीक है? भारत का व्यक्ति और अर्जेंटीना के जो व्यक्ति हैं वो एक दूसरे के सापेक्ष कैसे होते हैं? उल्टे होते हैं। ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि भारत के सापेक्ष कौन से लोग उल्टे होते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए, अर्जेंटीना, ओके? नेक्स्ट है, उल्कापिंड वह है जो पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही जल जाता है। कहाँ पर आकर? पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही जल जाता है, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं क्या लाइन है। सन 1969 में नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। कौन से सन में? 1961। और चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग, ओके? नेक्स्ट है, सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली पहली महिला हैं। कौन है जो सबसे लंबे समय तक रहने वाली पहली महिला? तो आपको नाम पता होना चाहिए, सुनीता विलियम्स, ओके? नेक्स्ट है, अहमदाबाद से लगभग 18 किलोमीटर दूर अडाजल की बावड़ी है। ये याद रखिएगा, कहाँ, कौन सी बावड़ी है? अडालज की बावड़ी है। कहाँ पर? अहमदाबाद से लगभग 18 किलोमीटर दूर, ओके? नेक्स्ट देखते हैं क्या है कि ज़मीन के अंदर से निकाला गया तेल गहरे रंग का गाढ़ा बदबूदार होता है। ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है? ज़मीन के अंदर से निकाला गया तेल गहरे रंग का गाढ़ा बदबूदार होता है। तेल को रिफाइनरी में फिर भेजा जाता है। इस तेल से क्या क्या चीज़ें बनती हैं, ये सारी ही जो ब्लैक पेन से लिखा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस तेल से कैरोसिन, डीजल, पेट्रोल, इंजन ऑयल, हवाई जहाज़ के लिए ईंधन, एलपीजी यानी कि खाना पकाने की गैस, मोम, कोल तार और ग्रीस आदि इसी से मिलते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, समझ लीजिए कि ज़मीन के अंदर से जो कच्चा तेल निकाला जाता है उसके बाद में उसको रिफाइनरी में भेजा जाता है और उससे फिर बहुत सी चीज़ें बनती हैं, जैसे कि कैरोसिन हो गया, डीजल, पेट्रोल, इंजन ऑयल, हवाई जहाज़ के लिए ईंधन, एलपीजी, मोम, कोल तार और ग्रीस आदि इसी से मिलते हैं। और उस तेल से ही प्लास्टिक और पेंट को बनाने के लिए भी जो तेल का इस्तेमाल होता है वो भी हमारा ज़मीन के अंदर से निकाले हुए तेल से ही बनता है, ठीक है? प्लास्टिक और पेंट को बनाने के लिए भी तेल का इस्तेमाल होता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर टेलीग्राम चैनल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर देंगे, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगी। प्रदूषण कम करने के लिए सार्वजनिक वाहन का प्रयोग करना चाहिए। किसका यूज़ करना चाहिए? सार्वजनिक वाहन का। तो ये सारे ही जो लाइन्स अभी हमने कराई हैं बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।